बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ओके, टुडे दिस इज़ द थर्ड वीडियो रिगार्डिंग द क्रूसिबल और विच इज़ रिटन बाय आर्थर मिलर इन 1953 आई थिंक। यस, तो क्रूसिबल को एज अ मॉडर्न ट्रेजेडी आज डिस्कस करेंगे। लेट मी टेल यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। If the examiner is asking about the modern tragedy, so don't forget that you have to correlate it with the classical or Aristotelian tragedy. ठीक है, Aristotle जो है वो king of tragedy consider किया जाता है। कैसे? क्योंकि जितनी भी Aristotle की जो tragedy से relate जो चीज़ें थी, जिसमें जो बहुत ही most important जो है वो हमाशिया या हमाटिया, hubris और catharsis, mostly यानी हमाटिया और catharsis जो हैं वो backbone रखते हैं। आज तक जितनी भी ट्रेजेडीज लिखी जाती हैं उसमें एरिस्टोटल की इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रख के बनाई जाती है, और फिर बहुत से मास्टर पीसेज ऐसे निकले हैं जिन्होंने, यानी जो कि लिटरेचर के कैनन में एक अपना सिग्निफिकेंट इमेज रखते हैं। तो वो एरिस्टोटल की ट्रेजेडी को लेकर कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं या कुछ ऐसे ड्रामास नॉवल्स भी हैं जो एरिस्टोटल की पोएट्री एरिस्टोटल की ट्रेजेडी से अपोज हैं, लेकिन बहुत कम है। ज़्यादातर मोस्टली अगर हम देखें तो वो एरिस्टोटलियन ट्रेजेडी को फॉलो करते हुए ही नज़र आते हैं, विद अ स्लाइट चेंज और समथिंग हाफ चेंज यू कैन से। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न ट्रेजेडी और क्लासिकल ट्रेजेडी में यानी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ठीक है, लेट मी टेल यू इन जस्ट टू मिनट्स, वी विल हैव अ क्विक व्यू। तो क्लासिकल पोइट्री में क्या होता है कि एक नोबल इंसान होता है जिसके इर्द गिर्द जो है पूरी जो आपका जो प्ले है, कोई भी पीस ऑफ आर्ट है, वो उसके रिवॉल्व अराउंड जो है होता है। ठीक है, और मॉडर्न ट्रेजेडी में क्या होता है कि जो आपका प्रोटैगनिस्ट है या मेन कैरेक्टर है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, आपकी अटेंशन डाइवर्ट कर दी जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर प्ले में दो से तीन हो, मोस्टली हो जाता है, यानी ये इसका एक फीचर है। नेक्स्ट देखते हैं जी, प्रोटैगनिस्ट जो होता है वो नोबल होता है और वेल्थी होता है और यानी सुपीरियर होता है जो कि उसके इर्द गिर्द के लोग हैं उनके ऊपर। ठीक है, किंग भी हो सकता है, प्रिंस भी हो सकता है, या बहुत जो है रॉयल फैमिली का हो सकता है, एरिस्टोक्रेट हो सकता है, कुछ इस तरह की चीज़ें। यानी सबसे पहले एरिस्टोटल के ज़माने में तो जो था वो किंग और प्रिंस ही होता था, फिर तो जब आगे आया थोड़ा सा तो फिर वो यानी एरिस्टोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स उनकी तरफ चला गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न ट्रेजेडी की तरफ मूव ऑन होते होते वो एक ले मैन की ट्रेजेडी बन गई। ठीक है, और फिर जो है हम देखते हैं क्लासिकल पोइट्री में जो हमाटिया है, ह्यूब्रिस है और कैथारसिस है, इन चीज़ों को, ये उसके मेन फीचर्स हैं। ठीक है, और फिर जो है यानी एक यूनिफाइड जो है प्लॉट होता है, लेकिन मॉडर्न ट्रेजेडी में क्या होता है, प्लॉट दो तीन चार, प्लॉट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, कई दफ़ा होते भी हैं। और जो क्लासिकल पोइट्री में बातें की जाती हैं बड़ी बड़ी, सुपरनेचुरल पावर्स को भी जो है यानी उसके अंदर ऐड किया जाता है, और म्यूज़ जो है हेवनली म्यूज़ इन्वॉक करती हैं और अपने यानी मदद करने के लिए उस प्रोटैगनिस्ट की, या कुछ जो है एक फैंटेसी क्रिएट की जाती है, जबकि मॉडर्न ट्रेजेडी में रियलिस्टिक अप्रोच होती है और मुआशरे की बात की जाती है, मुआशरे की परेशानियों की, तंगियों की, तकलीफ़ों की, मसाइब की, और जो जो क्रूअलिटी, ब्रुटलिटी, एट्रोसिटी प्रैक्टिस की जाती है उस पर बात होती है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का माइंड जो है वो क्लियर हो गया। ये बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप द क्रूसिबल के मेन कैरेक्टर जो है रॉबर्ट जॉर्डन, तो फॉर होम द बेल टॉल्स का ये जॉन प्रॉक्टर, ठीक है, जॉन प्रॉक्टर को आप एक यानी क्लासिकल हीरो से जब कोरिलेट करो तो आपके जहन में ये चीज़ें होनी चाहिए कि मैं मॉडर्न ट्रेजेडी से रिलेटेड क्वेश्चन लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, तो मुझे इस तरह डिफाइन करना है इसको। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, सॉरी आंसर। बच्चों, वीडियोस तो आप लोग देखते हो, ना कोई लाइक करता है, सब्सक्राइब कभी, वो तो पता नहीं दिल करे आपका ना करे, कम से कम लाइक तो किया करो बच्चों। मुझे लगता है कि चलो मेरी मेहनत जो है वो रायगा नहीं जा रही, बच्चे कुछ सीख रहे हैं, देख तो लेते हो वीडियोस, अच्छा जा रहा है सब कुछ यूट्यूब, लेकिन लाइक्स नहीं आते यार। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। द क्रूसिबल इज़ मॉडर्न ट्रेजेडी रिटन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्टोरिकल इंसिडेंट ऑफ सेलिम विचक्राफ्ट 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी क्यों? क्योंकि
1692 से 1693 में हुआ, तो इट विल बी कंसिडर्ड 17th सेंचुरी. तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका, फिक्शनलाइज स्टोरी है, और बट द प्ले हाईलाइट्स द क्रुएलिटी ऑफ मैकार्थिज्म एंड कम्युनिस्ट ट्रायल इन अमेरिका इन 20th सेंचुरी. मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफाइन किया, फिर बता देती हूँ कि जॉन मैकार्थी जो था वो डिक्टेटर था जिसने अमेरिका में जो मैकार्थिज्म जो था उसने, कार्ल मार्क्स आपने पढ़ा हुआ है ना, मार्क्सिज्म जो था वो जो था कि म्यूनिस्ट के हक में था, जबकि मैकार्थिज्म जो था वो इसके अपोज था. यानी जिस तरह विच क्राफ्ट को बहाना बना करके म्यूनिस्ट को वो ज़्यादा कत्लो गारत की गई, एक ब्लड शेड किया गया, इसी तरह मैकार्थिज्म को जो था बनाते हुए यानी एक मेन कंसर्न समझते हुए जो था 20th सेंचुरी में अमेरिका में कम्युनिस्ट ट्रायल्स हुआ, जिसमें कम्युनिज्म जो था उसको बहुत उसकी धज्जियाँ भी खेली गई और कम्युनिस्ट को यानी टारगेट किया गया. The play contains almost all the elements of the modern tragedy, though it is quite different from other tragedies as it brings forth a story of historical importance. Yet the protagonist of the play, John Proctor, shares a lot with the modern man. जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी असाइनमेंट होती है, आधे घंटे से ऊपर की वीडियो चली जाती है. तो जो यानी ये जो हमारा प्ले है ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखता है, जिसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है क्योंकि सच्चाई पे बनाया गया ना, एक सच्चा बैकग्राउंड जो है वो रियल है. तो जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है यानी मेन कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है जॉन प्रॉक्टर, वो शेयर्स करता है अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हर्डल्स ऑफ मॉडर्न मैन, क्योंकि ये उसी की परेशानी है ना कि जिस एक इंडिविजुअल एंड अथॉरिटी पे भी क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी, उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि एक इंसान जो है वो कहते हैं ना अ मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो वो कितना भी ताकतवर हो जाए या कितना भी यानी फिलोसफिकल पर्सन हो या रेशनल पर्सन हो, ही मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, उसको ओबे करना पड़ेगा, उसको मुआशरे का हिस्सा बन के ही अपने फैसले करने पड़ेंगे. अगर वो रीबल हो जाएगा तो उसकी मौत वाकया हो जाएगी, जैसे कि हमारे प्रोटैगनिस्ट की हुई. अच्छा जी, देयर आर मेनी आर्ग्यूमेंट्स वेदर दिस प्ले इज़ अ ट्रेजेडी और नॉट. अब कुछ क्रिटिक्स हैं जो हैं लेफ्ट और राइट हैंड, लेफ्ट साइड वाले जो क्रिटिक्स हैं वो डिक्लेयर करते हैं, आगे हम देखते हैं कि कुछ कहते हैं ट्रेजेडी कंसिडर की जाए, कुछ कहते हैं ना की जाए. द लेफ्ट हैंड क्रिटिक्स डिक्लेयर दैट द क्रूसिबल इज़ नॉट अ ट्रेजेडी एज इट डज नॉट फुलफिल ऑल द कंडीशन सेट बाय द एरिस्टोटल. यानी जो लेफ्ट हैंड के क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि जी एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो इनको फॉलो नहीं करता, यानी इसके ऊपर पूरा जो है वो पूरा नहीं उतरता. सो इट्स नॉट अ ट्रेजेडी दैट द प्रोटैगनिस्ट शुड बी अ लॉयल बर्थ एंड द सेंटर ऑफ अटेंशन ऑफ एवरीवन एज इट वाज कॉमन इन द प्लेस ऑफ सोफोक्लीस एंड शेक्सपियर टू बी एबल टू अराउज द फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर एसोसिएटेड टू अ ट्रेजेडी विच इज़ नोन एज कैथारसिस. और यानी जब हमाटिया जब आपसे होता है तो उसके बाद जब आप उसको रियलाइज करते हो फिर आपका कैथारसिस होता है. ये सारी चीज़ें जो हैं ये एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी का एक मेन कंसर्न है, फीचर है, जो कि इसके अंदर नहीं पाया जाता, क्योंकि लोगों को तो कोई रोना शोना नहीं आया जॉन प्रॉक्टर की डेथ पे, और ना ही हाँ उससे हमाटिया ज़रूर हुआ. वो कैसे हुआ, जो यानी गिल्टी होता है एडल्ट्री के लिए, जो एबिगिल के साथ उसका ये होता है सीन, तो वो उसका हमाटिया कंसिडर किया जा सकता है ही बल्कि वो. बट दिस एक्यूजेशन डज नॉट होल्ड मच स्ट्रेंथ एज इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे किंग्स एंड प्रिंसेस आर नॉट प्रेजेंट विद सिमिलर पॉम्प एंड शो. यानी जो भी चमक दमक दिखावा और जो शानो शौकत होती थी रॉयल्स की, इस टाइम मॉडर्न में तो नहीं ना दिखाई देती वो चीज़ें कि किंग आ रहा है तो 10 यानी जो 25 से 30 लोग उसके पीछे आ रहे हैं, और इतना ज़्यादा जो था ग्लिटरी फैंसी क्रिएट नहीं की जाती, और ना ही ऐसा आजकल हो रहा है. सो द प्रेजेंटेशन ऑफ अ रॉयल फिगर वुड बी अनरियलिस्टिक एंड फिक्शुअस. और जाहिर बात है ये चीज़ें अगर क्रिएट करोगे तो अनरियलिस्टिक लगेगा. मोर ओवर मॉडर्न मैन इज़ नॉट कन्फ्रंटेड विद सुपरनेचुरल एलिमेंट्स लाइक द हीरोज ऑफ क्लासिकल प्लेस. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन एक्सप्लेन यू इन अ डिटेल मैनर. रदर टुडे मैन इज़ एट वॉर विद सोसाइटी टू हैव अ डिग्निफाइड एंड अ रिस्पेक्टेबल पोजिशन इन इट. जाहिर बात है आपको अपना आप मनवाना है तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अपना लोहा मनवाने के लिए सोसाइटी में रहकर सब चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा. यू विल हैव टू बियर ऑल द हर्डल्स एंड ऑब्स्टेकल्स विच यू विल फेस इन योर वे बीइंग रिमेन अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. नाउ एवरी मैन इज़ अ सेंटर ऑफ हिज ओन अटेंशन. अब जो हर आदमी है वो अपनी एक हैसियत रखता है, एक अपना किरदार रखता है. द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न मैन इज़ टू डिटर्मिन हिज प्लेस इन द सराउंडिंग्स. अब मॉडर्न मैन की जो बेसिक प्रॉब्लम है वो क्या है कि अपने इर्द गिर्द रहते हुए उन सब चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए अपने आप को डिटर्मिन रखना.
So the concept of the tragedy should be changed according to the requirements of the time and age. Obviously, वक्त के साथ साथ जो है ट्रेजिडीज़ में भी बहुत ज़्यादा चेंज आया है. प्लस लेकिन जो मेन पॉइंट था, जो मेन कंसर्न था किताब जो हमाटिया का, वो अभी तक प्रिवेल करता है. प्लस अ मॉडर्न ट्रेजिडी इज़ अ ट्रेजिडी ऑफ अ ले मैन बिकॉज अ मॉडर्न मैन इज़ अ ले मैन. सो मॉडर्न ट्रेजिडी इज़ अ ट्रेजिडी ऑफ एवरी मैन. तो आम इंसान की ट्रेजिडी है मॉडर्न ट्रेजिडी जो है, तो इसीलिए क्योंकि हर इंसान जो है 99% तो है इसी तरह के ना, बाकी 1% जो है वो बहुत कोई यानी मिलियनेयर और बिलियनेयर्स होंगे. तो जो ट्रेजेडी है वो तो ले मैन की ही होनी चाहिए ना. आर्थर मिलर स्टैंड्स हेड एंड शोल्डर्स हाई अमंग द मॉडर्न अमेरिकन ड्रामेटिस्ट. उनकी एक आर्थर मिलर जो है अपनी एक शान रखते हैं, उनका एक जो है प्रोमिनेंट फिगर कंसिडर किए जाते हैं अमेरिकन ड्रामेटिस्ट में. तो ही कीनली ऑब्जर्व्स द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोशल सराउंडिंग्स. ही एंड ब्यूटिफुली प्रेजेंट्स दीज कन्फ्लिक्ट्स इन द प्ले. इन दिस प्ले ही प्रेजेंट्स द इमेज ऑफ अ गिल्ट रिडन मैन. अब जो हमारे राइटर हैं आर्थर मिलर, वो बहुत अच्छे तरीके से जान गए थे, उन्होंने ये चीज़ें ऑब्जर्व कर ली थी कि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है. उसको रहते हुए सारी सराउंडिंग्स को, सारे इन्वायरमेंट्स को देखते हुए अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी क्रिएट करनी है. यानी बेशक वो एक इंडिविजुअल हैसियत रखता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको सोशल नॉर्म्स और ट्रेडिशंस को भी फॉलो करना है, उनको उन सब चीज़ों को देख कर चलना है. ठीक है, और इस चीज़ में, इस प्ले के थ्रू वो हमें क्या बताते हैं, अब गिल्ट रिडन का क्या मतलब होता है, जिसके यानी जिसके ऊपर कोई जुर्म का बोझ हो. और वो जुर्म का बोझ क्या था जॉन प्रॉक्टर का, वो गिल्टी था किसके साथ, एबिगेल के साथ. जॉन प्रॉक्टर इज़ अ कॉमन कंट्री मैन, अ फॉर्मर. क्योंकि जो एक इंसान होता है वो प्रॉपर तरीके से ऑनेस्ट भी नहीं हो सकता, प्रॉपर तरीके से इविल भी नहीं हो सकता. ठीक है, ही इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ. तो आप यानी जो जॉन प्रॉक्टर को अगर उसने एक प्रोटैगनिस्ट कंसीडर किया, तो उसने ये भी दिखाया कि उसे गलती भी सरजद हुई थी. ठीक है, जॉन प्रॉक्टर इज़ कॉमन कंट्री मैन अ फॉर्मर बाय द प्रोफेशन. ही इज़ रिस्पेक्टेड फॉर हिज अपराइट्स एंड फियर फॉर हिज शार्प डीलिंग विद हाइपोक्रिट्स. तो अच्छा भी दिखाया गया, बुरा भी दिखाया गया. उसकी दयानतदारी में उसको बड़ा अफजल दिखाया गया और बेहतरीन इंसान दिखाया गया, जबकि वो यानी जो मुनाफिक हैं, जो हिपोक्रिट्स हैं, जो चलाक बड़े कनिंग नेचर के जो लोग हैं, उनके साथ उसको शार्प भी दिखाया गया. द राइटर सेज दैट इन दिस प्रेजेंस अ फूल फेल्ट हिज फुलिशनेस इंस्टेंटली. यानी जो एक अगर किसी बेवकूफ़ इंसान से कोई बेवकूफ़ी होती है, तो उसे इंस्टेंटली उस चीज़ का पता लग भी जाता है. यानी फौरन तौर पे उसको उस चीज़ का पता लग जाता है कि मेरे से ये बोंगी सरजद हुई है. ठीक है, तो बट प्रॉक्टर ऑल्सो होल्ड्स गिल्ट ऑन हिज नेम. ही हैज़ बीन सेक्शुअली इन्वॉल्व विद अ गर्ल, एबिगेल. प्रॉक्टर इज़ डीपली रिपेंटेंट ऑन हिज सिन टू अडल्ट्री एंड बिट्रेइंग हिज वाइफ. यानी वो रिपेंट करना चाहता है कि वो इन्वॉल्व रह चुका है किसमें, एक यानी सेक्शुअल डीड में या कुछ इस तरह के काम में. यानी उसका जो होता है रिलेशनशिप जो होता है वो इलीगल होता है. ठीक है, और उसको ये पता है कि उसने अपनी बीवी को धोखा दिया है. ही कैन नॉट कम आउट ऑफ दिस गिल्ट टिल द एंड एंड फील्स दैट दिस सल्वेशन इज़ नॉट पॉसिबल एंड दैट द सल्वेशन छुटकारा. ठीक है, कि वो उसको पता है, वो उस चीज़ से ना, उस गिल्ट से नहीं जान छुड़ा पा रहा. उसको अंदर ही अंदर ये तकलीफ़ है कि मेरे से ये गलत काम जो है वो गलत हुआ और मुझे शायद इसकी जो है इससे छुटकारा ना मिल सके, या इससे मेरा जो यानी ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ इट बट ही इज़ नॉट एबल टू डू दैट. And that he cannot climb up the altar steps with the dignity of righteous people, considering his statement to Elizabeth. Let them. अच्छा, मैं पहले आपको इतना बता दूं कि वो जो है ना, अब यहाँ बात हो रही है उस चीज़ की कि वो गिल्टी तो है. वो अपने आप को उस चीज़ से वो डिनाई नहीं करता कि मैं यानी ऐसा नहीं हूँ. वो मानता है उस चीज़ को अपने दिल में भी, और एलिजाबेथ से भी वो शर्मिंदा है. लेकिन वो अपने आप को जो है बचा कर उन लोगों को भी लेट डाउन नहीं करवाना चाहता जिन्होंने सच्चाई के लिए अपनी जानें खोई हैं. तो एलिजाबेथ को कहता है, लेट देम दैट नेवर लाई die now to keep their souls. It is a patience for me, a vanity that will not blind God nor keep my children out of the wind. अब वो कहता है कि
लेट देम दैट नेवर लाइव, यानी जो नहीं मरे, यानी जो जिंदा हैं, मर के भी जो जिंदा हैं, जो लोग जिन्होंने अपनी कुर्बान की जाने विच क्राफ्ट के जो ज़िद में आ गए थे, जिनको लोगों ने सस्पेक्ट किया, जो एफ्लिक्ट हुए, उसे कन्विक्टेड हुए, तो यानी वो उस चीज़ को बड़ा उसके सर के ऊपर ये इस चीज़ का बोझ है, तकलीफ़ है, दुख है, तो वो कहता है कि ये जो बर्तरी का दिखावा है ना, ये जो सारा खेल खेला जा रहा है, दैट विल नॉट ब्लाइंड गॉड, यानी अल्लाह पाक जो है वो इन सब चीज़ों से वो नहीं है, कोई भी चीज़ अल्लाह पाक से छुपी हुई नहीं है, अल्लाह के सामने सब आया है। तो वो कहता है कि मैं अगर, यानी मेरा जो रब है वो मेरे बच्चों की हिफाजत करेगा अगर मैं सच्चाई का साथ दूँ तो। बट ही रीचेज़ अ डिग्निफाइड पोजिशन थ्रू प्रॉपर डिसीजन इन द एंड, लेकिन वो क्या करता है, एक अच्छा डिसीजन लेता है कि वो अपनी जान तो कुर्बान, जिंदगी अपनी बॉडी तो कुर्बान कर देता है, लेकिन अपनी सॉल को बचा लेता है। थस द अटेंशन ऑफ द प्ले राइट इज़ ऑन द मॉरल चॉइस ऑफ अ प्रॉक्टर, दो ही इज़ अ सिनर येट ही इज़ अ मैन ऑफ गुड कॉन्शियस, तो कॉन्शियस तो यानी उसका ज़मीर अच्छा है, और वो जो बेशक वो गुनाह उससे सरजद हुआ, लेकिन वो असल में एक अच्छा इंसान है। इट इज़ ऑल्सो टू बी नोटेड दैट द मिलर्स प्ले द कैटास्ट्रॉफी राइजेज फ्रॉम सम सेक्सुअल सिन, यानी जो तबाही की तरफ जब काम जाता है, जब एडवर्सिटी की तरफ काम जाता है इस प्ले में, तो वो किस वजह से जाता है, जो सेक्सुअल सिन उससे हुआ है। In fact, he wants to enhance the importance of the family life. If the rules of marriage are not abided by, the downfall is sure to come in one of the other way. Miller says, I cannot live apart from society. यहाँ आप ये भी देख सकते हो, मैंने जो सोशल एनिमल, इस तरह के कोटेशन ऐड कर सकते हो। तो वो कह रहा है कि तबाही जब कोई दो लोग गाड़ी का एक सर्कल, यानी जो दो लोग जो बनाते हैं फैमिली को, अगर उनमें से कोई एक भी गिल्टी हो या वो अबाइड ना कर पाए, यानी जोड़ ना पाए उन सब चीज़ों को जो उनकी, यानी जो भी रूल्स सेट किए गए हैं आपकी मैरिज के, कि आप दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हो, जो भी उनको निभा ना पाए, तो फिर डाउनफॉल श्योर है, यानी आप लोगों की जो है तबाही, और आपके रिश्ते का जो है इख्तिताम वो फिर हो जाता है। मिलर सेज़ आई कैन नॉट लिव अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी, कि मैं सोसाइटी से जो है कट के नहीं रह सकता। He thinks that moral honesty cannot be separated from a commitment to the society. आप जितने भी honest हो जाओ, लेकिन आपको society से जो कुछ commitments जो होती हैं, जो आप करते हो, उससे आप separate नहीं हो सकते। आपको उस दायरे में रहते हुए ही सारे काम सर अंजाम देने पड़ते हैं। Though a man and the environment do not merely interact, yet they are the part of each other. A fish is in the water and a water is in a fish. ये बहुत प्यारी कोटेशन है, आप ये भी देख सकते हो इसको हाईलाइट करके। Miller implies this dictum to every human being and proves it through his protagonist that every person has to live in harmony with his surroundings. ये सारा ये जो पैराग्राफ है उसमें उसने यही कहा है कि जो आपको यानी इंटरेक्ट करना पड़ता ही है सोसाइटी से, आप उसे कट के नहीं रह सकते। कितनी देर रहोगे, दो दिन, तीन दिन, पाँच दिन, छः दिन, महीना, दो महीना, एंड पे आना तो आपको फिर वही है। कितनी देर सोसाइटी से कट के रह लोगे? तो इट इज़ अ फंडामेंटल इशू दैट यू हैव टू क्रिएट अ हार्मोनी विद योर सोसाइटी, राइट? तो Proctor has been presented as a rebel of society. उसको as a rebel, यानी जो society से opposed चलता है उसको rebel कहते हैं. He leads a life of isolation, partially because of his shame and partially because of his stubborn manner, and his isolation and inactivity becomes his flaw. वो अपने आप को कुछ, यानी जब ये विच क्राफ्ट प्रैक्टिस किया जाता है ना, उसको पता होता है कि ये सब ड्रामेबाजी है, तो वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, कुछ दिन के लिए अपने आप को अलहदा कर लेता है, सोसाइटी से कट के रहना चाहता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि उसको वापस वहीं आना पड़ता है। At first, Proctor denies the importance of society, stays away from the trials of witch hunt, and even during his trial, takes selfish decisions to save his life. यानी वो जो भी ट्रायल हो रहे होते हैं, सेल्फिश उसे क्यों कहा गया? क्योंकि जब लोगों की जाने जा रही होती हैं, नाहक जाने जा रही होती हैं, जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा होता है, तो प्रॉक्टर इन सब चीज़ों से दूर रहता है, उनकी मदद करने की कोशिश नहीं करता। वो कहता है मैं इनसे दूर ही रहूँ तो ठीक है, लेकिन और उसको क्योंकि वो सोसाइटी का हिस्सा है, तो वो बाउंड है इन सब चीज़ों का, और यहाँ तक कि वो ये डिसीजन भी ले लेता है कि वो अपनी आप की जान बचा लेगा और एज अ सेल्फिश पर्सन, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता।
बट लेटर ही हैज़ टू एक्सेप्ट दैट ही इज़ नथिंग विदाउट हिज सराउंडिंग्स. लेकिन वो एंड पर यह रियलाइज़ करता है कि वो अपनी इन्वायरमेंट से, अपने सराउंडिंग से, अपने जो इर्द गिर्द का माहौल है उससे जुदा नहीं रह सकता. ही रियलाइजेज वट ही ओज टू हिज नेबर्स. ही नोज दैट हिज एक्सेप्टेंस ऑफ बींग अ विच वुड ग्रेटली डीमोरलाइज द पीपल एंड दे वुड नॉट फाइट अगेंस्ट दिस ब्रूटल एक्ट. यानी उसको पता था कि अगर उसने ये चीज़ भांप दी थी कि अगर वो सच्चाई का साथ नहीं देगा तो उन लोगों का भी मोरल जो है वो डाउन हो जाएगा जो कि हक पे हैं. तो वो फिर जो है कोशिश करता है कि मैं सच्चाई का ही साथ दूँ. आई और वो यानी उसका कोट है, आई ब्लैकन ऑल ऑफ देम व्हेन दिस यानी माय कन्फेशन इज़ नेल्ड टू द चर्च द वेरी डे दे हैंग फॉर साइलेंस. जो यानी खामोशी से जो है अगर तो वो कन्फेस करता है तो ये बड़ी एक गलत चीज़ होगी और सब पे पानी फिर जाएगा. जिन लोगों ने खामोशी से अपनी जानें दे दी उनको भी, उनका भी कुछ नहीं बन सकेगा. मिलर प्रेजेंट सेल्फ डिस्कवरी ऑफ हिज प्रोटैगनिस्ट विद इन ऑल द एक्शन ऑफ द प्ले. मिलर जो है वो एक डिस्कवरी जो है यानी एक नई चीज़ जो सामने आती है, सेल्फ डिस्कवरी जो आपका यानी क्योंकि प्रोटैगनिस्ट जो है हमारा वो बिल्कुल चेंज हो जाता है ना. उसको अपनी सेल्फ डिस्कवरी कैसे होती है, जब वो ये जान जाता है कि वो बुरा इंसान नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है, वो सच का ही साथ देगा. द सेल्फ क्वेस्ट ऑफ प्रॉक्टर बिगिंस व्हेन एलिजाबेथ रिपीटेडली प्लीड्स हिम टू जज हिमसेल्फ. ही वॉज लॉस्ट फेथ इन हिज गुडनेस एंड नीड सम आउटर एक्शन टू इन्वोक हिम टू अ सर्टन डिसीजन. अब वो इंसान जब अपने आप को झंझोड़ता है ना, अपना ज़मीर उसका जब उसे मलामत करता है, तो फिर वो एक जो पॉइंट है, एक जो जो प्रॉपर डिसीजन है उसके ऊपर पहुँचता है. जब उसकी बीवी बार बार उसको प्रोवोक करती है कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें कन्फेशन देना चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए, बट व्हेन एलिजाबेथ पुशेस हिम टू टेक हिज डिसीजन एंड देन ही आस्क फॉर डिवाइन हेल्प एंड क्राइज आउट and soon he gets the answer in the final moment of his life. He realizes that he has not yet lost all of his virtues for at least he knows his responsibility towards his neighbors. He utters, I do think I see some shred of goodness in John Proctor. वो अपने आप को यानी जो है ना यानी इन अ कॉन्फिडेंट मैनर वो अपने आप को ये बता रहा है, क्योंकि उसके दिल में गिल्ट था एडल्ट्री का. तो वो अब ये कह रहा है कि कुछ अभी भी कुछ बाकी है जो मेरी इज्जत जो है, मेरी इज्जत और वकार उसको बचा सकता है, और वो क्या है, सच का साथ देना. ठीक है, ऑन द ब्रॉडर लेवल अब ये जो है ना बड़ा प्यारा एक ये छोटा सा जो ये पैराग्राफ है ये भी बड़ा प्यारा है. इसमें जैसा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसी तरह मॉडर्न ट्रेजेडी का जो हमने पढ़ा, अब ये छोटा सा पैराग्राफ जो है इसमें सोशल ट्रेजेडी को भी जो है बताया गया अच्छे से. इन अ ब्रॉडर लेवल द क्रूसिबल इज़ ऑल्सो अ सोशल ट्रेजेडी. ठीक है, मिलर डिस्क्राइब्स हाउ इनोसेंट पीपल आर मर्सीलेसली कन्विक्टेड एंड मर्डर्ड इन ऑर्डर टू सेव एन आइडियोलॉजी. यानी किसी भी नज़रिए को बचाने के लिए जो इनोसेंट लोग हैं उन्हों जो पीपल हैं उनको किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है और किस तरह उनको उनके इनोसेंट माइंड के साथ खेला जाता है और उनको बड़ी बेरहमी से कन्विक्टेड यानी अफ्लिक्ट कर दिया जाता है और यानी किसी इल्ज़ाम में मुलव्वस कर दिया जाता है और उनका कत्लो गारत किया जाता है. बाय द टाइम ऑफ द सेटिंग ऑफ द प्ले प्योरिटन चर्च एंड गवर्नमेंट वाज लूजिंग कंट्रोल ओवर इंडिविजुअल्स. क्योंकि मिडिवल एज में जो डोमिनेंट पावर्स थी वो किसके हाथ में थी, डोमिनेंट पावर और सुपीरियोरिटी का जो था निज़ाम वो क्या था, वो चर्च था ना. तो इसमें भी बड़े अच्छे तरीके से मुझे याद आ रहा है गैलीलियो गैलीलाई, उसमें कितना उसके ऊपर जुल्म दिखाया गया गैलीलियो पे कि यानी जो चर्च थी वो डोमिनेंट थी, चर्च ही जानती थी कि क्या होना है क्या नहीं. उसने सारी ज़िंदगी जो थी वो यानी एक ही कमरे में आइसोलेशन में गुजार दी. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ये सज़ा की गई थी कि तुम्हें यानी ना लिखने की इजाज़त दी जाएगी ना कुछ, तुम जिंदा तो रहोगे लेकिन कैद में रहोगे, यानी घर में अपने कैद में रहोगे. तो वो मुझे याद आ गया कि किस तरह जो है एक इंसान को कितने बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है. अच्छा जी, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द करप्शन ऑफ प्रीस्ट प्रेजेंट्स बाय पेरिस इन द प्ले. प्रेजेंटेड बाय पेरिस इन द प्ले, पेरिस को यानी यहाँ वो किया जा रहा है, इंस्टिगेट किया जा रहा है कि किस तरह जो करप्ट जो प्रीस्ट थे जिनको पता था, बहुत से लोगों को पता था उनमें तकरीबन के ये यानी ये सब खेल रचाया जा रहा है, लेकिन खेल की आड़ में कम्युनिस्ट को मारा जा रहा था ना. तो मेन कंसर्न तो उनका ये था,
द व्योरली वैनिटी एंड हेलिश सर्मन्स ऑफ सच प्रीस्ट टेक पीपल अवे फ्रॉम द चर्च. यानी जो इस तरह हुआ क्या कि चर्च ने उल्टा अपनी रिस्पेक्ट खो दी जब लोगों को पता लगा कि ये काम चर्च के थ्रू किए जा रहे हैं. विलियम ब्लेक लिखता है ना कि चर्च जो है वो भी अब एक गेम खेल रही है, यानी छोटे बच्चों को सामने ला ला के तो चैरिटी जो है वो गेन की जा रही है, और बाद में यही लोग जो उनको साफ़ सुथरा नहला धुला के हमारे सामने लेकर आते हैं चैरिटी गेन करने के लिए, बाद में उनको वो पता ही नहीं होता कि वो बच्चे बेचारे कहाँ गए, वो फिर से भीख मांग रहे होते हैं. ये सिर्फ जो है चर्च के खेल थे सारे. अच्छा बच्चों, आप अपने ना ये जो आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाए, आप उससे अगर जो भी चीज़ें आपके जहन में आएँ किसी भी दूसरे राइटर की, तो आप जब वो लिखते हो हाईलाइट करके, तो वो भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है. क्यों? क्योंकि उससे ये पता लगता है कि आपका जो लिटरेचर का बैकग्राउंड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, आपको कितना कुछ पता है, या कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके माइंड में चल रही हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. ठीक है, लेकिन बहुत शार्प बनना चाहिए आपको, आपने आउट ऑफ द ट्रैक नहीं चले जाना. आपको जो भी बात करनी है, जो भी अगर आपके जहन में आ रही है, तो वो रेलेवेंट होनी चाहिए और आपके टू द पॉइंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द आंसर. अच्छा जी कहाँ गया? या सो चर्च हैज़ एन एवर इंक्रीजिंग फियर ऑफ लूजिंग अथॉरिटी ओवर द मैसेज ऑफ पीपल, एंड दिस फियर एक्चुअली बिकम्स अ रूट कॉज ऑफ सच वाइड स्प्रेड ब्लडशेड. यानी जो उन्होंने क्रिएट किया हुआ था ना फियर, जो यानी जो डर खौफ और जो एक जो हिस्टीरिया जो था, वो भी इन्हीं की वजह से हुआ कि लोगों में खौफ हरास इतना फैल गया कि वो यानी ना चाहते हुए भी दिमागी मरीज़ बन गए, और आगे से आगे जो था ये प्रमोट होता चला गया, जिसकी वजह से बहुत ब्लडशेड हुआ, बहुत कत्लो गारत हुई. थस प्योरिटन चर्च एंड गवर्नमेंट मेक डेस्परेट अटेम्प्ट टू होल्ड द पीपल इन देयर ग्रिप बाई यूजिंग अ कोटेशन ऑफ बाइबल विच सेज दाउ शैल्ट नॉट सफर अ विच टू लिव. यानी जिसके ऊपर भी जो होगा जो यानी सर्टन फीलिंग रखेगा, तो उसको जीने का कोई हक नहीं है. तो ये जो है ये उन्होंने खेल रचाया था प्योरिटन्स ने, और जो उनकी गवर्नमेंट थी जो कि यानी कम्युनिस्ट के अगेंस्ट थी. ठीक है, थोड़ा सा रह गया, बस ख़त्म होने लगे. हाउ एवर दिस अटैम्प्ट प्रूव्स फ्यूटाइल बट डेडली, विच इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग द माइंड ऑफ पीपल टूवर्ड्स अ प्योरिटन चर्च कॉजेज देयर डेथ एंड डिस्ट्रक्शन. यानी ये ऐसा था कि चर्च जो कि लोगों को होनी चाहिए, एक मज़हबी जगह है ना, वहाँ कुछ इस तरह का होना चाहिए ताकि लोगों को मज़हब की तरफ लाया जा सके, तो उल्टा जो चर्च का काम था वो क्या हो गया, लोगों की तबाही और उनकी मौत का ज़रिया बन गया. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी, हाउएवर दिस अटेम्प्ट प्रूव्स फ्यूटाइल. यानी ये जो भी चर्च के जो जितने भी काम थे वो बेकार थे, क्योंकि उल्टा उन्होंने अपनी जो था जो उनका काम था उसे अपोज जाके बहुत ज़्यादा गलत किया. थस मिलर्स प्ले इज़ टेकन ऑन एन एलिगोरिकल लेवल. एक मिसाली यानी ये प्ले जो है इसको कहा जाता है कि इट्स अ डोमिनेंट फिगर ऑफ द कैनन ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, और फिर इसको यानी एक न्यूयॉर्क में इसको एज अ क्लासिक प्ले भी माना जाने लगा, बड़ा इसको यानी क्रेडिट मिला. For though today's subject have changed so far, but the subject matter is ever the same. ज़बरदस्त, यानी उसने कहा दो सब्जेक्ट तो चेंज हो गया लेकिन सब्जेक्ट मैटर चेंज नहीं. और सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर ये है कि इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी से अगेंस्ट नहीं रह सकता, उसको जो है सोसाइटी के साथ ही रहना है, चाहे माइनॉरिटी में है. यानी माइनॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी के साथ उसका अगर मुकाबला हो भी, तो वो जो है ना यानी अथॉरिटी जिनके हाथ में है वही प्रिवेल करेंगे, वही डोमिनेंट रहेंगे. तो सब्जेक्ट मैटर आज भी यही है कि जो अकेला है वो अकेला है, और जो जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास डोमिनेंट पावर्स हैं, तो वही प्रिवेल करेंगे, वही प्रिविलेज रखेंगे. ठीक है, तो द इंडिविजुअल इज़ बाउंड टू सोसाइटी इन द सेम वे एज जॉन प्रॉक्टर इज़ इन द प्ले, व्हाइल द अथॉरिटीज आर एज फ्यूरियस एंड एंग्शियस टू होल्ड देयर पावर एज द प्योरिटन चर्च एंड गवर्नमेंट इन सेलम. जिस तरह यानी दिखाया गया अमेरिका में 20th सेंचुरी में मैकार्थिज्म जो था वो प्रवेल कर रहा था, तो इसी तरह मैसेचुसेट्स जो बे कॉलोनी जो थी उसमें जो सेलम विचक्राफ्ट प्रैक्टिस किया गया थ्रू प्योरिटन्स. ठीक है, प्योरिटन्स ने, तो वहाँ यानी ये दोनों चीज़ों का आपस में एक लिंक था. एक जो थी कहानी वो प्रैक्टिस हुई 1692 से 1693 में
93 में सेलम विचक्राफ्ट पे, और फिर 1953 में अमेरिका में मैकार्थिज्म के थ्रू ये सेम प्रैक्टिस की गई, बस फ़र्क ये था कि वो जो था थोड़ा सा यानी विचक्राफ्ट में चला गया, और ये जो था थोड़ा मॉडर्न वे में आकर उसने डिक्टेटरशिप की और लोगों को कत्लो गारत की कम्युनिस्ट होने पर. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. शुक्रिया.